चलिए बात करते अगली खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने धर्मांतरण को अब मुद्दा बना लिया है। सीएम भूपेश ने धर्मांतरण पर बयान जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश ने एमपी सरकार पर भी निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। धर्मांतरण पर बजरंगी लोग गए थे। बीजेपी अध्यक्ष वो इस पर बयान दे रहे थे। मध्य प्रदेश में कैसे धर्मांतरण हो रहा है, कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया था। इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी ने धर्मांतरण को मुद्दा बना लिया है। सीएम भूपेश धर्मांतरण को लेकर अब बयान भी जारी किया। इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जात धर्म से होती बाय बर्थ होती है, लेकिन अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, वो बदल सकता है। जबरन अगर कोई बदलने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता नदीम की ओर। नदीम, जिस तरह से धर्मांतरण का जो मुद्दा है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अमृता, लगातार प्रदेश में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद जो है बड़ा मुद्दा बनाती नजर आ रही है। इस वक्त चुनाव है, चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाया है, क्योंकि हम बात करें छत्तीसगढ़ बहुत सारे ऐसे बहुल क्षेत्र है जहां पर धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उस पर कार्यवाही भी जो है अगर गलत तरीके से है तो उस पर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था कि अगर कोई अपनी मर्जी से जो है धर्मांतरण करता है तो ये बात है, लेकिन कोई अगर जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि जो है लोकतांत्रिक अधिकार भी है जो है उसके तहत अगर कोई अपना धर्म बदलना चाहे उसकी स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा से तो इस पर कोई जो है वो बाध्य नहीं कर सकता। किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी के धर्म को जानने और मानने के लिए कोई जो है उस पर दबाव नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं और कोई जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहा है तो उस पर सरकार सख्त रहेगी, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होने की बात कही थी। लेकिन एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी जो है वो सामने आने लगा है। बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना रही है। बिल्कुल नदीम, बीजेपी एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में से बना रही है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था कि धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं से देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसको लेकर कह रही है सियासत शुरू है, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दा बना रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि जो जात होती है वो जन्म से होती है, बाय बर्थ से होती है, लेकिन कोई अपनी अगर इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करता है तो वाकई उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सियासत इस पर शुरू हो चुकी है, लगातार बीजेपी से मुद्दा बनाई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर विराम कब लगेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे आदि टीवी।